देखो इंजन ऑयल के नाम पे इसमें क्या निकल रहा है, बस ये तो एक मेहनती बालक लगा बड़ा है। अब इसमें देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा है आजकल। हेलो भाई, इंजन ही गायब कर दिया है इसने, इसका पूरा इंजन यहाँ से जा चुका है। और ये रहा इसका इंजन जो खोला जा रहा है। देखो उस बाइक के भाई हालत ऐसे हो चुके थे, ऐसे हो चुके थे जिसकी कुछ सोच भी नहीं कर सकता था। जो उसका काम था ना बिल्कुल तमाम हो चुका था, बिल्कुल तमाम। राम राम सभी भाइयों को, राम राम। कैसे हो भाइयों, वेलकम बैक माय व्लॉग विधान शर्मा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और विधान शर्मा ये रहे हमारे, और अभी हम देखो कंबल में पड़े हुए हैं भाई। सुबह सुबह अभी ना उठने की हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ी देर में उठेंगे चलेंगे। कल हमने बाइक नहीं देखी थी, बाइक में कल कुछ काम नहीं होता उसमें, जिसका इंजन हमने बेकार कर दिया है। तो आज आपको वो भी दिखाएंगे, और वहाँ पे हमें दो चार काम और है तो वो काम भी करेंगे। सब चीज़ कर रहे हैं भाई, बाइक में अभी काम नहीं हो पा रहा है। शायद आज शाम तक हमको बाइक मिल जाएगी, हमने कोशिश की है कि आज शाम को हमको बाइक मिल जाए। हमने बोला है उस भाई को कि भैया बाइक हमें आज शाम तक फाइनल करके दे दो, तो देखते हैं आज शाम तक हो सकता है भाई हमें बाइक मिल जाएगी। और उस बाइक में बहुत सारे खर्चे होगा भाई, बहुत सारे, सारी चीज़ दिखाएंगे क्या इस टाइम पे उस बाइक के हालात है और क्या हालत नहीं है। तो अभी उठते हैं, नहाते हैं और धोते हैं और फिर चलते हैं बाइक की तरफ। और विधान शर्मा ये उड़ा रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर, ये देख लो। तो फिर उठते हैं भाई, उठ के और निकलते हैं, फिर चलते हैं। आप सबको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं कि क्या हाल चाल है उस बाइक के। भाई पूरे इंजन का सत्यानाश कर दिया हमने, चलो ठीक है जो भी हुआ, अब देखते हैं वहाँ चल के। लो भाई हम तो निकल चुके हैं घर से, और अभी जा रहा हूँ मैं सीधा बहरामपुर, क्योंकि भाई अभी तक मैंने बात की है यार, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, क्या इशू नहीं आ रहा, वहाँ पे दिक्कतें थोड़ी बढ़ रही है। तो फटाफट मैं जा रहा हूँ इस टाइम पे वहीं सीधा बहरामपुर, और जाके अपने दो चार काम देखता हूँ। ऐसे ही निकलना पड़ा मुझे जेड पर, डेड पर आज मैं अभी भी ऐसे ही जा रहा हूँ भागा भागा यार, कुछ काम नहीं किया घर का भी, और जल्दी से मुझे बस निकलना पड़ गया। ये होता है अपने साथ में, अगर कुछ छोटा मोटा काम आ जाता है ना तो भाई नहाना धोना भी नहीं देखा जाता, ऐसे ही निकल जाते हैं। अरे भगवान, चलो पहुँचते हैं फटाफट से बहरामपुर। लो भाई फाइनली इस बाइक का नंबर आ ही गया, आज ठीक होने लग रहे हैं इन पे। दो दिन से ये बाइक खड़ी है, दो दिन से इन्होंने खोली तक आए, तो आज खोलने लग रहे हैं। और अभी भी दो सैटान तो आए नहीं है जिनको इसमें काम और साथ में लग के करवाना है, लेकिन भाई ने कहा चलो वहीं करना शुरू करता है। अब देखो अभी ये खुल जाएगी पूरी की पूरी, और खोल कर दिखाते हैं इसकी क्या चीज़ चिपकी पड़ी थी। बहुत बुरी हालत कर दी मैंने इसकी, वो दिन मैंने 90 खींच दी। और देखो यार ऋतिक क्या कर रहा है, आज ऋतिक की पंचर लगाने का काम कर रहा है। भाई तू भी लग गया है इनके साथ में? हाँ जी हाँ। कितने कितने दिनों के लिए? 4-5 महीने। अच्छा ठीक है भाई, देखो सर्विस का काम ऋतिक भी करने लगा, किसी को कांटेक्ट करना हो दुकान खोलूंगा ना मैं, तो ऋतिक से कांटेक्ट कर सकता है। पंचर लगवाना हो चाहे क्या करवाना हो, पंचर के अलावा क्या क्या सर्विस करवानी हो, स्कूटी बाइक या किसी की, और इंजन खराब करवाना हो, सही तो कर नहीं सकता, खराब तो कर ही सकता है, एक चम्मच चीनी है ना, बस ये सारे काम अगर करवाने तो कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर नीचे दे दूँ। स्कूटी मॉडिफाई करवानी हो बता। हाँ मॉडिफाई दे दूँ। ये देखो इंजन ऑयल के नाम पे इसमें क्या निकल रहा है, बस ये लो इतना सारा इंजन ऑयल। शिट यार, देख रहे हो पूरी बाइक की बैंड बच चुकी है इसकी। लो भैया खुल गई बाइक और ज्यादा है भाई, देखो इन सब के कारण है ये जो बाइक अब खुल ली है, है? कल खुल ली थी, कल खुल के खराद में पहुंच गई थी। इसका ये पिस्टन भैया गया है ना, पिस्टन भी गया सी, क्रैंक भी बोल गई, क्रैंक भी बोल गई, क्रैंक भी बोल गई, क्रैंक के बैरिंग हो गए सब। अच्छा और इसकी बैरिंग की सीट सारी लूज हो गई। अच्छा सारा गया है इसका मतलब, बैरिंग की सीट लूज हो गई इसकी, देखो इसकी बैरिंग की सीट लूज हो गई।
तेरी अच्छा काम हो गया इसका इसका मतलब ये लो भाई इसका कचरा ये बड़ा निकला हुआ अभी तक ये सारी चीज देख रहा हूँ ये निकल रहा है इसका कचरा और ये सारी बाइक चल रही है क्या से क्या हो गई ये सारा कांड मेरे हाथ का करा हुआ है इस बाइक लो एक मेहनती बालक लगा बड़ा है अब इसमें देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा है आजकल हेलो गाइस शादी के बाद पहली बार मेहनत करते हुए लौंडा है दुकान से छुट्टी ले रखी थी काफी टाइम से लेकिन आज आके सीधा इंजन पे ही बैठ गया हूँ यही कहना चाहता है सही है ढंग में करना ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए ध्यान सिर्फ इंजन पे होना चाहिए ठीक है सारा कचरा वचरा खोल के डाल लगता है भैया इसको हमारे दोस्त की हालत हो गई इसको पूरा इसका जो ताम जाम है ना वो निकल गया इसका बसंती का बसंती के बुरे हालात हेलो भाई इंजन ही गायब कर दिया है इसने इसका पूरा इंजन यहाँ से जा चुका है और ये रहा इसका इंजन जो खोला जा रहा है हमें पता है कितने की लाओ तुम तो सही तो हो गया एक एक रुपए की लाओ हाँ तो सलीम मिस्त्री जी हेलो बताओ इसमें क्या दिक्कत आई है ये खराब है पिस्टन और क्रैंक अच्छा तो ये तुम किस तरीके से चला रहे थे जो खराब हुआ है ये तो आप चला रहे थे ना यार हम कहा चला रहे थे ये तुम चला रहे थे हम टेस्ट ड्राइव तुम ले रहे थे इसकी है चला तुम रहे थे खराब तुमने करा ना हमारा ले रहे हो कितनी बुरी तरीके से घिसाई हो इसके निशान दिखाओ दिखाओ बताओ इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे तो पता भाई है तो तुम मिस्त्री किस चीज़ के हो अगर बताएंगे तो ये भाई प्रोग्राम में बताइए ये बताएंगे भैया इसके बारे में मगर हमारी नज़र में तो ये पिस्टन गया और ये गया क्रैंक और देखो कमी वो देख रहे हैं मिस्त्री साहब असली मिस्त्री साहब भाई देख लो यहाँ पर कमी सारी देखी जा रही है ये पूरे इंजन की हालात हो चुके हैं बाइक है देखा शोरूम पर नई बाइक निकाल जाते हैं पैसे हैं पैसे का ले लेते हैं बाइक तो लेने को देती इंजन बंदो ये होकर पास उड़ा जाएगा मुझे नई बाइक गिफ्ट कर दो बाल में करते थे 15,000 में दे दे छोड़ दे बाइक अच्छा छोड़ दे हाँ और वाले आते हुए ये निकल गया इसका सारा कचूमर ओ भाई साहब क्या हिसाब किताब बैठ जाएगा इसका फिर भी तो भाई फाइनली हम तो निकल गए वापस घर के लिए क्योंकि यहाँ पे जो काम चल रहा था बाइक में वो तो शाम तक कंप्लीट होगा और जो वैसे काम से दूसरे काम से मैं आया था वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि जो काम होना था वो नहीं हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ तो इस चक्कर में वो वापस निकल चुका हूँ घर के लिए अभी जा रहे भाई अपना जाएंगे फटाफट से और टाइम अब जो हो चुका है भाई क्या टाइम हो चुका है मैं अब टाइम एक बार बता देता हूँ 12:30 बज चुका है देख लो ठीक है 12:30 बजे यहाँ से निकला हूँ अब घर जाऊँगा देखता हूँ नहाऊँगा धोऊँगा और फिर थोड़ी देर आराम करूँगा क्योंकि आज ना मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है एक तो यार जो चीज़ सोचते नहीं है ना वो चीज़ हमारे साथ में हो रही है हम करने को छोड़ लगे पड़े हैं हो कुछ हमारे साथ और रहा है तो ये चीज़ों की समस्या थोड़ी बढ़ गई है देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ आपको बताएंगे करेंगे सारे काम भाई झेलनी सब चीज़ें तो झेलेंगे भी सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल में निकल चुके हैं तो चलते हैं फटाफट से और करते हैं अपने कामों को कंप्लीट तो भाई अभी हम ऊपर छत पर घूम रहे हैं शाम हो चुकी है अभी सो के उठा था थोड़ी देर पहले और अब ऊपर के नज़ारे ले रहे हैं इधर का स्काई देख लो अब कितना प्यारा स्काई हो रहा है
कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देख रहे हो? तो इस व्यू को देखो, एंड देखो उस बाइक के भाई हालत ऐसे हो चुके थे, ऐसे हो चुके थे जिसकी कुछ सोच भी नहीं कर सकता था। जो उसका काम था ना बिल्कुल तमाम हो चुका था, बिल्कुल तमाम, एक एक पार्ट टूट तक गया है उसके अंदर। तो सोचो बहुत तगड़ा उसमें खर्चा आ चुका है। ठीक है भाई, अब जो कुछ हुआ देखा जाएगा, करने वो आज शायद फाइनलों को मिल जाएगी, रात को किस टाइम तक मिलेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन मिल जाएगी। आज ये बात फाइनल हो गई थी उससे कि भाई बाइक दे देंगे आपको। और अभी मैंने अरुण को भेजा हुआ है वहाँ पे, मैं तो क्यों घर पे हूँ, अरुण को भेजा है मैंने वहाँ पे कि वो बाइक को लेकर आएगा या जो भी है दिखाएगा। तो बाकी सारी चीज़ आपको अपडेट मिल जाएंगी, या तो इसमें इंक्लूड कर दूंगा उसके पार्ट को, या फिर उसकी वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो कि बाइक ठीक हुई है या नहीं हुई है, आज हमें मिली है या नहीं मिली है, जो भी है सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी उसमें। तो देखते हैं क्या आज रिजल्ट मिलता है। अभी मेरी उससे बात हुई थी तो बता रहा था कि ठीक हो रही है। चलिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम।